साउंड सेट आवा ओके माइक्रो सेट आवा ना ना उधर आवाजिया थोड़ा सा छटा दे माइक में थोड़ा सा ओके छोड़ दो थोड़ा सा सटा दे मुँह लग थोड़ा सा करीब कर दीजिए करीब और थोड़ा सा करीब करिए ऊपर तवज्जो पूरा दे दीजिए तवज्जो ना जी फिर बराबर वो हालात नहीं रहे एक अच्छी तादाद है आपके सामने जिन्होंने दीन को सीखा है शायद के घर जाकर नहीं शायद फिर उनके घर आ गए और मका के का इंतजाम हिंदुस्तान में कायम हुआ और इसके जरिए से ये तालीम के सिलसिले में बड़ी आसानी पैदा हुई और एक जगह आदमी बैठ जाता है उस आबादी के उस गाँव के जो लोग हैं बच्चे हैं अपने बच्चों के पास पढ़ने के लिए भेजते हैं ये लोग हैं शहरों से कट करके हंगामों से शुरू होकर के शोहरत और नामवरी से बच करके गांव और देहात में पढ़ जाते हैं कोई कीट खतरनाक वाला नहीं होता और थोड़ा इनका नाम आता है लेकिन ये अल्लाह के लिए लक्ष्य है दीन की बुनियाद को मजबूत कर रहा है हकीकत ये है कि बड़े मुखलिस लोग हैं इनके काम की तारीफ करना इनके इखलास को घटाना इस तरह से एक सुनी के साथ छोटे छोटे गांव में देहातों में ये साढ़े आठ बजे अपनी साढ़े आठ बजे एक तरह से कुर्बान कर रहे हैं पंद्रह मिनट थोड़ी सी तनख्वाह अच्छा मकसद नहीं है ये इल्मे दीन इनका मकसद है कि दीन के इश्तराक को उसने न देख इनके सीने में जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की शमा जलाई है कुरान की ये शमा धीमी सीनों धीमी न पड़ने पड़ा बड़े दिल्स लोग हैं बड़े आदमी और वो लोग भी तारीफ के लायक हैं मुफ्ती वलीउल्लाह साहब मुफ्ती वलीउल्लाह साहब कहाँ घर है इस आबादी के लिहाज से जितने बच्चे होने चाहिए मुझे ऐसा लगता है ख्याल है कि उतने बच्चे हैं ये कॉन्वेंटों की या पब्लिक स्कूलों की जो हवा चली है हर जगह के लोग इस हवा से मुतासिर हैं और उसकी वजह से मदारिस में बच्चों की तादाद रोज बरोज कम होती जा रही है और उसका जो अंजाम होगा वो अभियान अजीब
शादी है, मैंने सुना था वो एक प्रोग्राम चलता है कौन बनेगा करोड़पति, तो उसमें बच्चे से सवाल किया, जब सलमान बच्चा इरफान नाम था जिस नाम का, तो उसने वो तमाम चीजें तमाम सवाल के जवाब ठीक ठीक दे दिए, यानी वो करोड़पति बनने के बिल्कुल करीब था। आखिर में जो सवाल पूछा गया कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है, अफसोस ये है कि मुसलमान नाम रखने वाला, मुसलमान घराने में पैदा होने वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को नहीं बता सका। तो ये कॉन्वेंटों का नतीजा है, जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ रहा है। हकीकत यह है कि इस वक्त जो हमारा ध्यान है वो माइंड चेंजिंग, यानी हमारा ध्यान एक तरह से कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है। इल्म किसे कहा जाता है, दुनिया की चमक दमक पे हमने ये समझ लिया है यही इल्म है। देखिए हकीकी इल्म जो है वो कुरान है, ये कोई मेरी अपनी बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से गढ़ करके आप लोगों को खुश करने के लिए सुना रहा हूँ। तो कुरान का बयान है, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, मिनहुम उम्मीयून, इनमें कुछ लोग अनपढ़ हैं। ये अनपढ़ क्यों हैं, ये मैथ नहीं जानते हैं, सोशल साइंस नहीं जानते हैं, इंजीनियरिंग नहीं जानते हैं, क्या मसला है इनका? कुरान क्यों कह रहा है कि मिनहुम उम्मीयून, अनपढ़ इसलिए हैं कि ला यअलमुनल किताब, ये किताब नहीं जानते। हम में से कितने पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उन कितने डर हैं, लेकिन कुरान ये कहता है कि वो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं। पढ़ने वाला वो है जो कुरान को जानता हो, किताबे इलाही को जानता हो, इसलिए कि किताबे इलाही का जानने वाला ही मकसद जिंदगी को जानेगा, पहचानेगा। आप दुनिया में क्यों आए हैं, दुनिया में आने का आपका मकसद क्या है, क्या जानवरों की तरह से आप भी खाएंगे, कमाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मकानात बनाएंगे और इस दुनिया से फिर चले जाएंगे, क्या इस कायनात को बर्पा करने का मकसद यही था, इंसान को पैदा करने का मकसद यही था कि ये भी जो है जानवरों की तरह से खाए कमाए और फिर एक दिन आंख बंद करके इस दुनिया से चला जाए। जाहिर है कि इंसानों के पैदा करने का मकसद नहीं, तो इंसान इसलिए पैदा किया गया है, इस मकसद को वही शख्स जान सकता है जो किताबे इलाही से बात। ये वो लोग हैं, ये बच्चे, ये इब्तदाई कदम है किताबे इलाही से बात की, अल्लाह की किताब से ये बात होने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और ये भी मुसलमानों की एक खसूसियत है, इम्तियाज है। आप अपने आस पास के लोगों को देखिए, जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनको देखिए, उनके यहाँ अपने मजहबी किताबों को पढ़ने पढ़ाने में इस तरह से कोई रिवाज नहीं कि कोई मुल्क साहब हों उनके घर जा करके या बच्चे उनके पास आ करके मजहबी किताब को पढ़ते हों, पढ़ाते हों, ऐसा कोई रिवाज नहीं है उनके यहाँ। आप देख लीजिए, मालूम कर लीजिए, ये आपकी खसूसियत है, ये आपका इम्तियाज है, देर से बोल, इस इम्तियाज से बात की मेरी पहली गुजारिश आपसे कि आपकी जो खसूसियत है, आपकी जो पहचान है, आज मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जरियों से, आपके घरों में, बल्कि आपके जेब के जरिए से, ये जो मोबाइल है आपकी जेब में है, पहले टीवी और उसके जरिए, आपकी इस पहचान को छीनने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी इस पहचान को, अपनी शनाख्त को, अपनी इस खसूसियत को अल्लाह के लिए बाकी रखिए, किसी न किसी तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि आप कॉन्वेंट में न भेजिए, पब्लिक स्कूलों में भेजिए, तो भेजिए आप, लेकिन दीन की जो ये बुनियादी तालीम है, अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीमात से गाफिल मत रखिए, वरना अल्लाह के यहाँ आपकी बात पुरुष होगी, तो
दुनिया में भी आप इसका नतीजा देख सकते हैं। आखिर में जाने के बाद जो कुछ होगा होगा, इस दुनिया में भी नतीजा देख सकते। छोटे छोटे बच्चे भी आपके सामने तकरीर कर रहे थे वालिदैन के हुकूम पर, बच्चों के हुकूम पर। मुझे एक वाकया है, मुख्तसर सा वाकया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया, शिकायत की और कहा कि मेरे बेटे ने खेत जोतते हुए जो डंडा होता है बैल को हाँकने वाला, जिसे देहाती जबान में पैना कहते हैं, कहा कि मेरे बच्चे ने मुझे उस पैने से मार दिया। अजीब बात थी, एक बेटा अपने बाप को मार रहा।